आप सबका स्वागत है। आज हम 22 फरवरी के ईश्वर वरदान में आप सबके साथ में चर्चा करेंगे। अमृत वेला एक ऐसा टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त जो कि हर किसी को सुनने में अच्छा लगता है लेकिन करने में कभी कभी डिफिकल्टी होती है। और वो डिफिकल्टी होने का कारण ही होता है कि हम पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा सोचते या करते रहते हैं, जिस कारण से हमारी ये जो मन की आंख होती है वो थोड़ी धुंधली हो जाती है और उसमें परमात्मा का करंट नहीं आ पाता कि जैसे कि क्या हो बेल बजे अंदर और हम सुबह उठ जाए। तो इसलिए परमात्मा आज अमृत वेला के फाउंडेशन के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप सुबह 4 बजे उठ करके मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिन भर आपका सिक्स सेंस छठी इंद्री इतनी ताकतवर रहेगी कि आपको परमात्मा हर लेवल पर गाइड करता हुआ महसूस होगा, चाहे वो आपके सेहत के मामले में हो, चाहे आपके धन के मामले में हो, चाहे संबंधों के मामले में हो, चाहे भविष्य के मामले में हो, हर चीज में आपको एक गाइडेंस मिलती रहेगी। तो देखें परमात्मा कहते क्या है। अमृत वेला के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव, जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, फिर क्या होता है इंजन ऑन किया और चलते रहे। वैसे क्या है, अमृत वेला में हमने परमात्मा से अपनी लाइन को पटरी पर ले आए, अपने संकल्पों को पटरी पर ले आए, गलत संकल्प नहीं सच्चे संकल्प शुद्ध संकल्प ले आए, तो दिन भर आपको गाइडेंस मिलती रहती है कि ये ना सोचो ये सोचो ये करो ऐसे ना करो। ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाए। कहते हैं ना सुबह अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा रहता है। इसमें कहा जाता है सुबह सुबह किसका मुंह देखा आपने, तो परमात्मा की शक्ल जो कि प्रकाश स्वरूप है उसको आपने अपने मन की तीसरे नेत्र में देख लिया तो पूरा दिन आपका कैसा जाएगा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप सुबह उठेंगे और जिससे आपका अनबन हो रही है उसको अगर आप सुबह उठते देखेंगे तो फिर आपका दिन कैसे जाएगा। इससे अच्छा क्या है, किसकी शक्ल देख लो, परमात्मा की शक्ल देखो इसके पहले कि कोई अपनी और शक्ल दिखाए। तो आपने जो परमात्मा की शक्ल देख ली आपका चेहरे पे मुस्कान, और जो आपसे रूखे हुए हैं रूठे हुए वो आपकी शक्ल देखेंगे तो उनके भी चेहरे पे मुस्कान आएगी। ये शक्ति अमृत वेला की। फिर परमात्मा कहते हैं अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। अमृत वेला का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। कैसे मिलता रहेगा, आपने एक कनेक्शन ऊपर बैठा दिया कि परमात्मा जो भी मैं कार्य करूंगा आपकी याद में करूंगा और आपसे मैंने सारी शक्तियां ले ली हैं सुबह सुबह, आपसे मैंने अपनी गाइडेंस ले ली पूरे दिन की, अब मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। पुरुषार्थ मतलब दिन भर अपने आप को माया से काम करो लो अहंकार के संकल्पों से बचा के रहना भी ईजी हो जाएगा, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। फिर परमात्मा कहते हैं जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। जो ऐसी सच्ची सीताएं, हम आत्मा सीताएं हैं जिनको रावण ने या शैतान ने या ईवल ने या अंधकार ने पकड़ लिया। काम क्रोध लोभ अहंकार है अंधकार, तो आत्मा रूपी सीता रावण के चुंगल में शोक वाटिका में, घर में शोक है, संबंधों में शोक है, धन में शोक है। परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें इस शोक वाटिका से निकालता हूं, शरीर से नहीं लेकिन शोक वाटिका की भावनाओं से निकाल करके तुम्हें मैं अशोक वाटिका में रामा की याद में, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है रामा हे रामा, तो रामा मतलब रामचंद्र जी नहीं, परमात्मा के प्रकाश स्वरूप को भगवान को अल्लाह को जिहोवा को रामा कहा गया है, तो रामचंद्र से अलग नाम है उनका। रामचंद्र जी एक देवता थे लेकिन रामा हो गए देवों के भी देव परमात्मा पिता। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा कि जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, हम आत्मा रूपी सीताएं, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। आवाज मतलब उनको सिक्स सेंस से इनको फीलिंग आएगी कि ये करूं ना करूं, यहां जाऊं कि ना जाऊं, इससे मिलूं कि ना मिलूं, इससे बात करूं कि ना करूं, ये सारी चीजें हमारी बुद्धि में अच्छी से रहती हैं। ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको शक्ति चाहिए और उस परमात्मा की पहचान चाहिए जिससे आपको अमृत वाला उठ करके मेडिटेशन करनी है। तो ये सब कुछ होता है ब्रह्म कुमारी इसमें। ओम शांति इसके साथ।